दे दो और मेरी सारी खुशियां उन्हें दे दो। अमृता ने अपनी माँ को कोई पत्र लिखा जिसमें वो किसी शराब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ने के बाकी टुकड़े ढूंढूंगा तो शायद चिट्ठी अनिरुद्ध बाबू को कहाँ से मिली? ये चिट्ठी तो मैंने फाड़ कर फेंक दी थी। हो काली माँ, अब क्या होगा? अपनी बौंदता से बहुत प्यार करती है ना तू माँ, वो जल्दी से तीर्थ पूरा करके मेरे पास आ जाए। माँ आ जाना, माँ तेरे साथ की तेरे प्यार और हिम्मत की बहुत जरूरत है मुझे। तुझे पता है एक अनजाने से बीमारी हो गई है मुझे, बहुत बुरी बीमारी है माँ। अमृता को कौन सी बीमारी? और मुझे कैसे नहीं? जिसे किसी आदमी को नहीं बता सकती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो बौंदता मुझे नहीं बता सकती? खून आने से पहले से ही पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इस कील की चुभन से भी नहीं बच पा रही मैं। बार बार कोई बहाना बनाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ताकि छुपा सकूं इस बीमारी को पति बाबू से। इनसे बात नहीं कर रही, बातें छुपा रही है, झूठ बोल रही है। पति बाबू तो मेरा सहारा, मेरे रक्षक बाबू है ना। पति बाबू को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे निकालेगा मेरी समस्या का हल? कौन सी समस्या है बौंदता को? और तुझे पता है माँ, बहुत खून बहता है तेरी बौंदता का, बहुत दर्द होता है मुझे। माँ, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के अंदर से कुछ टूट गया है। घर का कोने में चुपचाप बैठती हूँ मैं, माँ हंसती हूँ, माँ खेलती हूँ, पर रोती रहती है तेरी बौंदता। बौंदता मुझे क्यों नहीं बता? अब तो नींद भी नहीं आती मुझे, आंख बंद करती हूँ तो बस पूरे ख्याल आते हैं। दुर्गा माँ के पास भी नहीं जा सकते। अक्का से सोची है ये पूजा नहीं कर सकती, इसीलिए बौंदता उस दिन सरस्वती पूजा से इनकार। बौंदता मुझसे कहा क्यों नहीं तुमने कुछ? तो पूरा दिन यही सोचती रहती थी कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तू आ जा माँ मेरे पास। तू जानती है ना कि जब तू मेरे पास होती है तो सारा दर्द दूर हो जाता है मेरा। तुझे देखते ही हिम्मत मिल जाती है मुझे। तुझसे बातें करके ऐसा लगता है जैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकती हूँ मैं। तो जल्दी आ जा माँ। अपनी गोद में उड़ते सुला लेना माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मुझे गले लगा ले माँ।
मेरा दर्द दूर करके थोड़ा सा हंसा दे मुझे, जल्दी आ जा माँ, मेरा इंतजार कर रही है पंडिता। पहली महावरी के इतने दर्द से अकेले गुजर रही थी पंडिता, अपने अंदर के इस नए बदलाव को न जाने क्या समझ रही थी। इतने दिनों से इतना कुछ सह रही थी बंधुता, लेकिन मैं कुछ नहीं देख पाया। तू अनित रॉय चौधरी, हमेशा तुम कहते हो ना कि मैं बंधुता के चलने की आहट से समझ जाता हूँ कि कितनी सुखी है बंधुता या कितना नाराज है या गुस्सा है या तुम नहीं समझ रहा है। चौधरी क्यों नहीं समझ पाए बंधुता के मन का दर्द, क्यों नहीं समझ पाए उसकी जिद, उसकी चुप्पी। इतने दर्द से अकेले गुजर रही थी बंधुता, मुझे नहीं बता पाए। अपने शरीर के इस बदलाव को बहुत गलत समझ लिया है बंधुता ने। ये कोई बीमारी नहीं, एक प्राकृतिक बदलाव है जो आना ही है। मोनिता को ढूंढना होगा। मोनिता, पर तेरे संग कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। आपके अध्ययन कक्ष में छोटी अलमारी है ना, उसमें से कुछ आवाज सुनाई थी। पंडिता, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, जरा भी नहीं। आ जाओ ना पंडिता। पंडिता, तुम्हारी परछाई मुझ पर पड़ने से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। कोई पाप नहीं चढ़ेगा तुम पर बंधुता, प्लीज बाहर आ जाओ बंधुता। नहीं पति बाबू, अगर दरवाजा खोला मैंने और आपके सामने आई तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा आपका। आप नहीं जानते शराब लगा हुआ मुझे, मेरा आपसे दूर रहने अच्छा आपके लिए। बहुत दुष्ट हूँ मैं, पूरे घर के दुख का और परेशानी का कारण मैं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है बंधुता, तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। तुझे पूरे घर के खुशियों की चाबी हो तुम बंधुता। मेरी गलती है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, समय रहते तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ ऐसे बदलाव जिनका प्रभाव तुम्हारे शरीर और मन दोनों पर पड़ेगा। बंधुता, मैं जानता हूं अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाती ना, इतना दर्द तुम्हें सहना ही नहीं पड़ता। लेकिन बंधुता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मन के हर भ्रम को दूर कर पाऊं। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न जिन्होंने तुम्हें इतना समय परेशान किया, उन सबका उत्तर मिले तुम्हें। तो बंधुता, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ शारीरिक बदलाव तो कुछ मानसिक बदलाव। उनमें से एक है
हर महीने शरीर से खून आना, और इसमें कुछ बुरा नहीं है बोंदता, कुछ बुरा नहीं है। ये कोई श्राप या किसी पाप का कोई दंड नहीं है, ये बस एक प्राकृतिक बदलाव है जो सबके साथ होता है बोंदता। ये इसे समझो कि तुम्हारा शरीर तुमसे कह रहा है कि अब तुम बड़ी हो रही हो। ये समय के साथ होने वाला एक प्राकृतिक बदलाव है जो बड़े होने की निशानी है बस। और बोंदता, समय के साथ कुछ और भी बदलाव होंगे तुम्हें, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक, और वो बदलाव ही बोंदता बुरे नहीं होंगे। वो बदलाव हर किसी के साथ होते हैं, हर औरत के साथ होते हैं। तो तुम्हारी माँ के साथ हुए हैं, मेरी माँ के साथ हुए हैं, संपूर्ण माँ के साथ हुए हैं। समझ रही हो बोंदता, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस बात से तुम डर रही हो उसे बीमारी नहीं, महावरी कहते हैं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया, बहुत देर कर दी मैंने बताने में, लेकिन तुम समझ तो रही हो ना बोंदता कि इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है बोंदता। हर किसी के साथ होता है। दरवाजा खोलो ना बोंदता, मैं कैसे जानूं कि तुमने समझ ली है मेरी बात। बोंदता, सबके साथ होता है। कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। कोई श्राप नहीं लगा ना मुझे? कोई श्राप नहीं लगाया तुम्हें बोंदता। और अगर मेरा बुरा साया पड़ा मेरे घर वालों पे तो कुछ नहीं होगा ना उन्हें? बोंदता, तुम्हें देखकर तो दुर्गा माँ भी मुस्कुराने लगती है। तो तुम्हारे साए से किसी का कुछ बुरा हो सकता है क्या भला? और मैंने कहा ना तुमसे, ये कोई बीमारी नहीं, ये तो भगवान का दिया तोहफा है औरतों को। कोई श्राप नहीं, ये तो वरदान है। पूरी प्रकृति के निर्माण का मूल बीज है। यही तो सबूत है बोंदता कि औरत को जननी क्यों कहा जाता है। क्यों भगवान ने सिर्फ औरत को इतनी शक्ति दी कि वो किसी को जीवन दे? और तुम ही बताओ बोंदता, जो किसी को जीवन दे वो अपशगुनी हो सकता है क्या भला? कभी नहीं ना। उसका साया किसी का बुरा कर सकता है क्या कभी? तुम्हारी परछाई से मुझे कुछ नहीं होगा बोंदता, प्लीज बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारी परछाई से नहीं आत्मग्लानी से मर जाऊंगा मैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा।
की शर्ट खराब कर दी मैंने पति बाबू, आप गुस्सा करोगे ना मुझ पे? हाँ बहुत गुस्सा करूंगा तुम पर, लेकिन अगर तुम रोओगी तो करूंगा। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ। इस पर पट्टी बांध देते हैं। जाने क्यों भरोसा है तुझ पे, मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू, मैं हूँ इस मिट्टी से, विलायती बाबू है तू, फिर भी मिल ही जाएंगे मिले जैसे सांझ और सवेरा, तू पराया हो कर लगता अपना साथ। दुख तो नहीं रहा ना? नहीं पति बाबू, आपने मेरे मन का हर डर दूर कर दिया। पर डर क्या पौंडित्य? बताओ पौंडित्य, कोई चीज जो तुम्हें अब भी परेशान कर रही है? मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछो पौंडित्य, बेझिझक होकर पूछो, उसका भी हल ढूंढ लेंगे। मेरे महावारी के कारण बाहर नहीं जा पाऊंगे ना, मैं पहले भी बाहर गए थे तो धब्बे पड़ गए थे खून के, फिर उस शर्म के मारे वापस भागकर अंदर आना पड़ा था मुझे, मैंने अच्छे से टक्की के रुई और पर्दे का कपड़ा भी इस्तेमाल किया था खून सोखने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने विज्ञान के प्रयोग में सिखाया था मुझे, पर वो काफी नहीं था, खून के दाग तो फिर भी पड़ गए थे, अब आप ही कहिए ऐसे में घर के बाहर जा सकती हूँ क्या मैं? पौर्णिका सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम किताबी ज्ञान का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कर रही हो, और रही बात बाहर जाने की तो तुम बाहर जरूर जा सकती हो। पौर्णिका महावारी को अपने रोजमर्रा के जीवन की रुकावट मत समझो, बल्कि उस रुकावट के ऊपर से किस तरह से छलांग मारकर उसे पार करना है इसके तरीके ढूंढेंगे। क्या करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पर्दे के फटे कपड़े और तकिए की रुई का कोई अच्छा विकल्प ढूंढूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा विकल्प ढूंढूं जिससे तुम्हारे परीक्षा में तुम्हें कोई परेशानी ना हो, किसी भी चीज का डर ना लगे। शक्ति शक्ति, अगर ऐसा हुआ तो मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा महावारी से। मौनता, डरने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि तुम्हें भी नहीं डरना पड़ता अगर अगर तुम किसी से पूछ लेती, किसी से कह देती तो। मौनता मुझसे नहीं बोल पा रही थी तो किसी और से पूछ लेती ना, संपूर्णा माँ को बोल सकती थी ना पौंडित्य, उन्हें क्यों नहीं कहा तुमने? ये रोग शरीर का नहीं है, ये किसका रोग है? दुर्गा माँ का अभिशाप है तुझे, बहुत बड़ा पाप किया है तूने, जितना हो सके ना दूर रहे आदमी से, इस समय किसी पुरुष का साया नहीं पड़ना चाहिए तुझ पर, घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना है तुझे। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट वाला भाव क्यों है, कोई बात है तो मुझे बताओ। अब तू तो गई, ये छोटी चुड़ैल तेरा नाम ले लेगी और सब जानने के बाद अनिरुद्ध बाबू इस हवेली से बाहर फेंक देंगे, खेल खत्म हो जाएगा संपूर्णा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.